नमस्कार, सीएमएन देख रहे हैं आप। स्वागत है आप सभी का इस बुलेटिन में। हरियाणा के भिवानी की सबसे पहले बात करेंगे, जहां नीम चौक मोहल्ले में सीवरेज का गंदा पानी लोगों के घरों में जमा होने लगा है। यही नहीं, यह पानी लोगों के घरों में वाटर सप्लाई के जरिए भी पहुंच रहा है, इसके चलते लोग बीमार हो रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस बारे में संबंधित अधिकारियों को सूचना भी दी जा चुकी है, स्थानीय पार्षद को भी अवगत कराया गया है, पर समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। इंद्रा, इंद्रा बताओ क्या समस्या आपकी? आपकी पानी हो खराब हो रहा है, सारा जो कम्बा पड़ना हो रहा है, लाइन पे गाड़ी जा रही है, टूट रहा हो रहा है, तीनों समस्या हो रही है। तो पानी फिर कहाँ से लाते हो आप? अभी खुदा रखे जो किसान आपका मशीन ट्रेन नहीं, ये सब नीचे बिल्कुल काला जहर आओ से जी, पानी बन जोगा नहीं, हम तो जमीन का पानी भरते रहा है। हाँ जी, हाँ जी, सीवर सीवर फटे पड़े हैं, बहुत पुरानी लाइन है। अच्छा, सीवर का पानी पानी वाली लाइन में मिक्स हो रहा है, हर इस पानी से काफ़ी घरों में आदमी बीमार पड़े हैं, और इतने लोग इतने मजबूर हो रहे हैं नहाने के लिए, बर्मा का पानी पी रहे हैं, वो भी बेकार आ रहा है। यहाँ तो कोई स्थायी ऐसा समाधान हो जाए तो बिल्कुल स्थायी समाधान है तो बात बना जी। ये तो सीवरेज की समस्या है, क्या करें, पानी खारा पानी आ रहा है आपके वार्ड में? सर, मेरे वार्ड में जो लाइन है ये 50 साल पुरानी सीवर की और पानी की दोनों लाइन है, काफी पुरानी लाइन है, और आए दिन यहाँ सीवर। वही इस मामले में जब स्थानीय पार्षद से बात की तो पार्षद नरेंद्र सराफ ने बताया कि उन्होंने मौके पर जाकर इस समस्या को देखा है, लोगों के घरों में सीवरेज का पानी सप्लाई हो रहा है। उन्होंने इस समस्या की सूचना संबंधित अधिकारियों को दे दी है और जल्द ही इस समस्या का हल करवाया जाएगा। नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय जबलपुर में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुई। आनंदीबेन ने अपने संबोधन में कहा कि भारत की पहचान यहां के पशुधन से भी होती है, जो पशु यहां पाए जाते हैं वे दुनिया भर में श्रेष्ठतम श्रेणी में आते हैं। विश्वविद्यालय में पढ़कर निकलने वाले युवाओं के लिए सुनहरा भविष्य इंतजार कर रहा है। मैं ओम प्रकाश पटेल, सामने देखिए ना फ्रंट पे। अरे जी, किस विषय में आपको जो गोल्ड मेडल मिला है? मैंने BFSC की है, मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय जबलपुर से, जो कि नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत आता है। और इसमें अभी 2017 में मेरी डिग्री कंप्लीट हुई, इसके बाद मैं अभी बिहार में पोस्टेड हूँ मत्स्य प्रसार पदाधिकारी के रूप में, और MP में भी जब भी वैकेंसी आएगी तो मैं मछली विभाग में अच्छा से अच्छा काम करके लोगों को उसकी योजनाओं के बारे में जानकारी दे सकूं और अपने मध्य प्रदेश को मछली उत्पादन में नंबर 1 बना सके। क्या कमियां देखते हैं आप मध्य प्रदेश में मछली उत्पादन में, जिसकी वजह से हम लोग अभी पीछे हैं? यहाँ पे अभी हमारे यहाँ पे प्रॉपर तरीके से योजनाएं जो चल रही हैं उनका संचालन नहीं हो पा रहा, जैसे कि तालाब निर्माण की कई योजनाएं रहती हैं, उनको हम लोग तालाब निर्माण बनवाएंगे जिससे किसान जागरूक होंगे, उनको हम लोग बहुत सारी जो योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में जानकारी देंगे, जैसे नया तालाब हो गया, रेरंग हो गया, आर्द्र भूमि हो गया, किसानों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, बीमा करवाया जाएगा और बहुत सारी ट्रेनिंग दी जाएगी जिससे लोग जागरूक होंगे और आगे बढ़ेंगे। अभी हमारा मत्स्य विज्ञान महाविद्यालय 2012 में खुला है और मैं 2013 बैच का स्टूडेंट हूँ, और इस तरह से स्टूडेंट मतलब टेक्निकल डिग्री लेके पास आउट हो रहे हैं, तो मेरी आशा है कि आगे हमारे मध्य प्रदेश में फिशरीज की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। आपका नाम बताइए? ओम प्रकाश पटेल, थैंक यू। सिद्धार्थनगर जिले का स्वास्थ्य महकमा वसूली का अड्डा बनता जा रहा है। ताजा मामला है जिले के बांसी तहसील के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खेसराहा का। यहां प्रसव के लिए तैनात ANM का पैसे लेने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। ANM बकायदा कैमरे पर पैसे लेते हुए ये कहती नजर आ रही है कि पैसा डॉक्टर और बाबू को देना पड़ता है। आपको
आपको बता दें कि इससे पहले भी इस केंद्र पर तैनात एक एएनएम का पैसा लेते हुए वीडियो वायरल हुआ था और उसके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी हुई थी। फिर से इसी केंद्र पर तैनात दूसरी एएनएम का पैसा लेते वीडियो वायरल होना कहीं ना कहीं विभाग की मिलीभगत की तरफ इशारा कर रहा है और इसकी पुष्टि भी खुद अवैध वसूली करने वाले एएनएम कर रहे हैं। पानीपत के बीएसएफ जवान करमबीर को जम्मू कश्मीर के पुंछ में मेंढर में गोली लगने से मौत हो गई। वह बीएसएफ की 6वीं बटालियन में तैनात थे। राजौरी में तैनात पानीपत के रहने वाले बीएसएफ जवान की मौत की होने की खबर सामने आ रही है। जवान करमबीर बीएसएफ इको 6 बटालियन का हिस्सा था। जवान की मौत की खबर मिलने से पूरे परिवार में मातम छा गया है। हालांकि अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि जवान करमबीर की मौत हुई कैसे है। परिजनों का कहना है कि उन्हें गोली लगी है। ये गोली उन्हें कब, क्यों और कैसे लगी है, स्थिति साफ नहीं हो पाई है। सूचना मिली मेरे पास, पहले सिस्टर का फोन आया, उनको कह रहे वो दिक्कत हो रही है उसको, करमबीर को। फिर उन्होंने मेरे को नंबर दिया, मैंने नंबर से बात करी, वो कहने लगे इसको यहाँ पर वो गए हैं, शहीद हो गए हैं, गोली लग गई इनको। किससे बात हुई थी आपकी? मैं नाम नहीं जानता, फोन नंबर था उनका, मतलब वहाँ से हेड ऑफिस थे, वहीं से बोल रहे थे। कहाँ ड्यूटी थी इनकी, किस तरह? इनकी राजौरी में मेंढर है कोई, वहाँ पे ड्यूटी। कौन सी बटालियन के जवान थे ये? बीएसएफ में थे, 6 बटालियन के थे। तो क्या बताया, गोली लगने शुरू हुई? भाई को ने गोली लगी इनको, मेरे पास फोन आया। अभी तक कुछ नहीं पता क्या मुठभेड़ हुई थी? कुछ नहीं, हमें इतना वो नहीं है, मतलब कोई इतना डिटेल में कोई बात नहीं। बता दें कि जवान करमवीर पानीपत के गांव बडोली का रहने वाला है और वो अभी अपने भाई की मौत पर क्रियाक्रम के बाद 15 फरवरी को ड्यूटी पर लौटा था। कौशाम्बी के मंझनपुर कस्बे में उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक पति ने अपनी ही पत्नी से झगड़ा किया और उसके बाद जहर खा लिया। पति की हालत गंभीर होने पर परिजनों ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया, जहाँ पर उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। एक पॉइजन का केस आया, क्या है पूरा? जी हाँ, एक इंसान अहमद नाम के एक आदमी है, नया नगर मंदनपुर से, और 2-3 घंटे पर बताया गया है कि चूहे मारने की दवाई खाई है। इलाज हमने शुरू कर दिया है, अभी पेशेंट जो है अंडर कंट्रोल है, अभी पेशेंट का ठीक है और उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम ताज़ा और तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए CNN। तब तक के लिए नमस्कार।